हे गाइस नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हालचाल। मैं हूं खुशी और स्वागत है आपका आज के हमारी वीडियो में। आज मैं आपको करवाने वाली हूं मेरे ड्रीम हाउस का टूर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं ड्रीम हाउस के टूर पे, लेट्स गो। जैसे ही आप इस घर में एंट्री करोगे, एंट्री करते के साथ ही ये एक बीच का ब्यूटीफुल सा रीजन है। यहाँ पर आपके लिए स्पेस है, आप अपने कोट हैंग कर सकते हो। जैसे कि जब भी कोई बाहर से आता है यहाँ पर, तो ऑफकोर्स ठंड इतनी ज़्यादा है कि कोट पहन के आता है, तो आप यहाँ पर इस स्पेस में उन्होंने बहुत सुंदर से डेकोरेट किया है विद अ ह्यूज मिरर, जिससे कि ना एक इल्यूजन मिल रहा है बहुत ही बड़ा रूम का। बट ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है सिर्फ कोट्स हैंग करने के लिए, और मे बी यू कैन पुट योर शूज हियर, आई विल शो यू। तो यहाँ पर चाहे तो आप अपने ट्रॉली बैग्स एंड ऑल रख सकते हैं, एंड यहाँ पे यू कैन पुट योर शूज। देन हियर इज द स्मॉल टॉयलेट, बहुत ही कॉम्पैक्टली इन्होंने बनाया है, जिसको यहाँ पर टॉयलेट है विद अ विंडो। जो बेस्ट चीज़ है ना टॉयलेट के बारे में, मुझे लगता है कि विंडोज होना टॉयलेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर इज द वॉश बेसिन, देन इट्स अ ह्यूज मिरर। हाय ओके। और जो बेस्ट पार्ट है वो ये लगा है कि इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर यानी कि लिविंग एरिया वाली जगह पर भी इन्होंने दिया है एक शावर पैनल। तो इस शावर पैनल को यू नो इट्स काफी कॉम्पैक्ट है, काफी कॉम्पैक्ट शावर पैनल है। फिर उसी के साथ ना यहाँ से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये एक बेडरूम है। ये एक काफ़ी बड़ा सा रूम है, इसको आप गेस्ट रूम की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किंडर रूम की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हो, या इसको आप ऑफिस रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप इस रूम को गेस्ट रूम की तरह इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर ना बिल्कुल बाहर ही इसके एक टॉयलेट है और विद अ शावर। तो जिससे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो उसको आपका यू नो आपको उसे अपने फ्लोर पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मतलब बिगनिंग में ही उसके पास एक रूम होगा जिसमें यू नो टॉयलेट भी होगा, शावर भी होगा। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो काफ़ी ह्यूज रूम है ये, जिसमें कि एक बेड के साथ एक सोफा भी आ सकता है विद अ वार्डरोब। ये एक ह्यूज एंट्री है, देखो यहाँ से आप जैसे ही अंदर जाओगे, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा लिविंग रूम। बहुत ही ब्यूटीफुली इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है। ऑफकोर्स अगर आप ब्यूटीफुली डेकोरेट नहीं करोगे तो लोग इम्प्रेस नहीं होंगे, इम्प्रेस नहीं होंगे तो खरीदेगा कौन है ना। इस जगह पर अगेन इन लोगों ने एक बहुत ह्यूज विंडो दी है। अगर मतलब इफ़ आई एम बिल्डिंग माई ओन हाउस, तो आई वुड लाइक कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लास विंडो हो, ताकि ना धूप का एक्सेस बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और सूरज बहुत कम टाइम के लिए निकलता है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव बिग ग्लास विंडोज, ताकि जब भी सूरज निकले तो आपके घर में सूरज आए, विटामिन डी आपको मिले, और यू नो थोड़ा गर्मी भी हो सके। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ी विंडो दी है, बट मैं अगर होती तो थोड़ा सा इससे यू नो मुझे ट्रिपल साइज की विंडो चाहिए होती। और फिर यहाँ पर अगेन ये है इनका लिविंग एरिया का स्पेस। ये इन्होंने लगाया है सोफा विद अ सेंटर टेबल एंड अ स्टैंडिंग लैम्प, और एक प्लांट से इन लोगों ने डेकोरेट किया है। यहाँ पर देखो पीछे भी इन लोगों ने दो छोटी छोटी विंडोज दी है। अगर इसकी जगह एक बड़ी विंडो होती तो शायद ज़्यादा बेहतर लगता, बट ओके। अब यहाँ पर से सीधा अगर हम जाएंगे लिविंग रूम के बाद, तो यहाँ पर आता है इनका डाइनिंग एरिया, जो कि काफ़ी खूबसूरती से बनाया है। देखिए इस तरीके की जो ये विंडोज़ है ना, ह्यूज विंडोज़, मुझे इस तरीके का थोड़ा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको लाइट का बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है। ये है इनका डाइनिंग एरिया, और जो बेस्ट पार्ट है डाइनिंग एरिया के बारे में वो ये है कि इन्होंने ऊपर ना ग्लास सीलिंग दी है, तो ग्लास सीलिंग की वजह से प्रॉपर लाइट आ रही है, जिसकी वजह से जो रूम का इल्यूजन एक तो बड़ा लग रहा है और लाइट की एक्सेस बहुत ज़्यादा है। ये बड़े बड़े विंडोज ना इसको बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रही हैं।
वेरी ब्यूटीफुल, मतलब डाइनिंग एरिया और जो किचन होना चाहिए मुझे लगता है वो बेस्ट पार्ट होता है घर का, क्योंकि अगर वो खूबसूरत है तो आपका घर में मन लगेगा और ज्यादा समय जो है ना वो लोग खाते बनाते ही निकालते हैं, तो लोग काम करेंगे या फिर खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सोने के लिए इंसान बेडरूम बहुत कम वक्त के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये इन्होंने काफी खूबसूरती से बनाया है। अब चलते हैं किचन की तरफ। ये है इनका किचन। जो किचन में मुझे बेस्ट चीज़ लगी वो ये है कि किचन में ना ये आइलैंड है, और ये आइलैंड की वजह से, क्योंकि जो लोग आजकल घरों में काफ़ी कम लोग होते हैं, दो या चार लोग की फैमिली होती है, तो ना ब्रेकफास्ट आप यहाँ पर आइलैंड पे बैठ के कर सकते हैं, तो चेयर भी लगी हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और किचन में यू नो खाना बनाते बनाते भी आप पूरी फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं। मुझे पर्सनली ओपन किचन बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे क्या होता है ना, जब आप किचन में काम कर रहे हो तो आप अलग नहीं होते हो, आप सबके साथ कनेक्टेड फील करते हो। किचन में भी इन लोगों ने काफ़ी ह्यूज विंडो दिया है, यहाँ पर है इनका देखो किचन वाला एरिया जहाँ पे स्टोव है। मैंने आपको बताया ना जर्मनी में इंडक्शन का कल्चर है, मतलब इलेक्ट्रिक गैस चलते हैं, यहाँ पर वो आग वाले चूल्हे नहीं होते हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किचन है, और आजकल ऐसी चिमनीज का बहुत कल्चर है जो पूरा यू नो आपका जो जो भी खाना बना रहे हो उसकी स्मेल सक कर लेगा और बाहर जाएगी। यहाँ पर देखो ये है माइक्रोवेव, एंड अगेन यहाँ पे कबर्ड है, तो क्योंकि ये लोग ना सारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनको कैबिनेट के अंदर करते हैं, जिससे इल्यूजन देता है बहुत ही ह्यूज का। अगेन दिस इज़ वन मोर कैबिनेट फॉर स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेशियस किचन है, और ये भी एक कैबिनेट है। तो देखो क्योंकि ये किचन में मतलब आप समय बताया ना आपको सब कुछ कवर करके रखते हैं तो इल्यूजन देता है। तो अभी ये है डिशवॉशर जो कि हर घर में नेसेसिटी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हर घर में। चलते हैं इधर की तरफ किचन के पीछे, यहाँ पर इन लोगों ने दिया है टेक्निकल रूम, ओके विच इज़ गुड। टेक्निकल रूम इन्होंने दिया है यहाँ पर, जिसमें आप अपना वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री का सामान या अपना स्टोरेज की चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर या कुछ भी, वॉशर ड्रायर ये सब रख सकते हैं। बट यहाँ पर से फिर आप निकलेंगे बाहर तो ये आएगा किचन। इसमें लिविंग रूम भी है, डाइनिंग एरिया भी है, किचन भी है, और एक एक्स्ट्रा टेक्निकल रूम भी दिया है। बेस्ट पार्ट क्या है कि जनरली घरों में क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे शावर नहीं होते हैं, सिर्फ पाउडर रूम होता है, मीन सिर्फ टॉयलेट होता है, बट यहाँ पर उन्होंने शावर दिया है क्योंकि नीचे एक एक्स्ट्रा रूम है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ कर देता है कि अगर आप लिविंग रूम में हैं या फिर किचन में है तो आपको ऊपर के फ्लोर पर जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी फ्लोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। मैं आपको बता दूं ये जो पूरा घर बना है ये बना है ओनली 140 स्क्वायर मीटर में। 140 स्क्वायर मीटर के हिसाब से लेट मी टेल यू, मैंने बहुत सारे घर देखे हैं, ये घर बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन हुआ है, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है इस घर का, जिसकी वजह से काफ़ी स्पेशियस आपको लगेगा। घर में एंट्री करने के साथ ही आपको मिलेगी स्टेयर्स, तो स्टेयर्स पे चढ़कर हम आप चलते हैं घर के ऊपर के हिस्से में। और जो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है इस घर के बारे में वो ये है कि एंट्रेंस पर इन्होंने बहुत ही ह्यूज, मतलब पूरा फर्स्ट फ्लोर से लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पूरा ग्लास दिया है, जिसकी वजह से फुल लाइट आ रही है और इल्यूजन आ रहा है कि घर बहुत ह्यूज है। दो घर बहुत ह्यूज है भी, मैं आपको उस तरफ का दिखाती हूँ जहाँ से मैंने एंट्री की है। तो ये थी स्टेयर्स जिनसे मैंने एंट्री की है, और देखो इन्होंने पूरा नीचे ह्यूज ग्लास दिया है सीलिंग तक, जिससे कि इस घर को फुल ऑफ लाइट बनाता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। जैसे हम स्टेयर्स से ऊपर आएंगे तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक उन्होंने ना विंटेज सा वार्डरोब रखा हुआ है जो काफ़ी विंटेज लुक देता है घर को। और अगेन ये आ गया है बीच वाला हिस्सा फर्स्ट फ्लोर का। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते हैं तो यहाँ पर इसको इन्होंने ओपन एरिया में यहाँ पर एक टेबल रखा, एक चेयर रखा, इसको आप अरबाइथ यानी कि ऑफिस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सिटिंग एरिया भी आप कर सकते हैं। आप चलते हैं सबसे पहले किंडर रूम में, यहाँ पर चाइल्ड को किंडर कहते हैं, चिल्ड्रन को यहाँ पर किंडर कहा जाता है। अभी उन्होंने ना रेड लुक दिया है क्योंकि देखो ये आपको थोड़ा सा अगर दिख पा रहा है तो ये थोड़ा सा स्लांट है क्योंकि ये एटिक वाला पोर्शन आ रहा है, तो ये रूम भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, यहाँ पर एक बच्चा या दो बच्चे रह सकते हैं बहुत आराम से। फिर ये वार्डरोब है, और इन्होंने एक फुटबॉलर की तरह इस रूम को डेकोरेट किया है, ठीक है। यहाँ पर इस रूम के साथ थोड़ी सी छोटी सी बालकनी दी गई है, देखिए लेकिन जब आप आइन फैमिली हाउस बिल्ड करा रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है बालकनी की, क्योंकि घर में इतने सारे लोग नहीं होते कि पर्सनल बालकनी पे जा जा के बैठेंगे।
पहला रूम बच्चों का, किंडर रूम, उसके बाद अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। यहाँ पर बच्चों के लिए ना, बच्चों के रूम में इन्होंने स्टडी डेस्क भी बनाई है, यहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो, यू नो, और अपना थोड़ा सा स्टोरेज का स्पेस भी इन लोगों ने दिया हुआ है। काफ़ी ह्यूज रूम है फॉर अ किड। इसके बराबर में एग्जैक्टली इससे सटा हुआ एक और रूम है। इस रूम को अभी फिलहाल इन लोगों ने यू नो कॉन्फ्रेंस रूम की तरह बनाया हुआ है, बट अगेन ये भी वन रूम है, यानी कि ये 3 BHK है, 3 bedrooms हैं इसमें। फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम नीचे है, जिसकी वजह से 4 bedrooms हो गए हैं। इस रूम को अभी इन्होंने यू नो कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ है, बट नॉर्मल कंडीशंस में जब आप रहेंगे इस घर में, नहीं क्योंकि ये तो सैम्पल हाउस है, तो जब आप ऐसा घर बिल्ड करवाएंगे तो इस रूम को भी आप एक बेडरूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को फर्स्ट फ्लोर पे एक एक रूम मिल जाता है, या आप इस रूम को ऑफिस रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा काम घर पे हो रहा है, कोरोना की वजह से लोगों ने ऑफिस जाना काफ़ी कम कर दिया है, इसीलिए इस रूम को आप ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। पीछे इन्होंने बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग लगाई हुई है, और यहाँ पर इन्होंने लगाई है ये कॉन्फ्रेंस के लिए टेबल। इस रूम में भी इन्होंने एक्सेस दिया है वो बालकनी का, सेम बालकनी है जो दोनों रूम्स में कनेक्ट हो रही है। इस रूम में भी इन्होंने एक विंडो दी है, गोल अलग लुक दे रही है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज ग्लास डोर है जिससे एक्सेस है बालकनी का। तो ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम, और इस मास्टर बेडरूम के साथ इन्होंने वॉकिंग क्लोजेट भी दिया है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। काफी स्पेशियस वॉकिंग क्लोजेट है जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। मास्टर बेडरूम से ये मैंने आपको मास्टर बेडरूम का पूरा 360 डिग्री व्यू दे दिया है। इस मास्टर बेडरूम से ये जो मेन डोर है, इस मास्टर बेडरूम में भी इन लोगों ने एक ह्यूज डोर प्लस विंडो दिया है, जिससे कि फुल सनलाइट का एक्सेस है। और इसके अपोजिट साइड में ये जो है ये मेन डोर है। यहाँ से अगर आप आते हैं, दिस इज बीच वाला एरिया, में मैंने आपको दिखाया ये फर्स्ट किंडर रूम है, फिर ये सेकंड किंडर रूम बच्चों वाला रूम, और उसके बाद आता है बाथरूम ह्यूज। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो देखिए, जैसे ही आप मास्टर बेडरूम से बाहर निकलते हैं, आपको एक और रूम दिखेगा, ये बहुत ही ह्यूज। यहाँ पर जैसे ही जाते हैं, ये है बाथरूम। बाथरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, इन लोगों ने एक बाथरूम दिया है जो कि पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए कॉमन होगा। ओके, और नीचे गेस्ट रूम के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा बाथरूम प्लस शावर दिया है, तो आपके गेस्ट को ऊपर आने की जरूरत नहीं है, और ऊपर का जो हिस्सा होगा वो आपका पूरी तरह से पर्सनल होगा। काफ़ी ह्यूज बाथरूम है जिसमें जकूजी अलग से है प्लस स्टैंडिंग शावर अलग से है, तो आपको जैसे नहाना है नहा सकते हैं। इस घर में टोटल 4 bedrooms हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पर और 3 first floor पर, जिसमें 3 में से 1 पेरेंट्स का रूम है, 2 बच्चों के रूम है, और ग्राउंड फ्लोर पर है 1 गेस्ट रूम।
देखिए आप वो डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, उस हिसाब से आप इस घर को उस घर का इंटीरियर सेट कर सकते हो। अगर आपके घर में दो बच्चे हैं तो रख सकते हो, अगर आपके घर में एक बच्चा है तो आप एक रूम को ऑफिस रूम बना सकते हो, आप हॉबी रूम बना सकते हो। तो वो आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको किस तरीके का घर का इंटीरियर चाहिए। क्योंकि घर मिलने के बाद आपको जो मिलता है वो मिलता है ईंट पत्थर से बना हुआ मकान, लेकिन उस मकान को घर तो आप ही को बनाना है ना। तो किस तरीके से आपको इंटीरियर में क्या रखना है, कौन से हिस्से में रखना है, वो सब आप तय कीजिए और ये घर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये तो था हाउस टूर। क्योंकि आजकल हम घर की तलाश जोर शोर से कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे घरों को देख रहे हैं, बहुत सारे घर पसंद आ रहे हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जो बजट में नहीं बैठते, कुछ घर ऐसे होते हैं जो बजट में आ जाते हैं, फिर लैंड मिलने की दिक्कत होती है। बहुत सारा प्रोसेस होता है जब, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल कंट्री से आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि एक तो आप लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हम लोग की जर्मन बहुत अच्छी है नहीं, सब कुछ हम लोग को इंग्लिश में करना होता है, और बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत कुछ, बहुत लंबा प्रोसेस होता है जब आप खुद का घर लेते हो। तो खुद का घर लेना बहुत आसान नहीं है, अगर आपके पास पैसे भी हैं तो भी बहुत लंबा प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई इंसान घर लेता है, चाहे फिर वो छोटा सा फ्लैट हो, छोटा सा अपार्टमेंट हो, छोटा सा घर हो या बहुत बड़ा घर हो, वो सिर्फ घर नहीं लेता है, वो लेता है सपने। तो क्योंकि जब कोई भी इंसान घर बनाता है तो वो ना एक सपने के साथ बनाता है, उसका एक ड्रीम होता है कि उसको इस तरीके के घर में रहना है। कुछ बजट होता है जिस बजट में उसको वो सारी चीज़ें फिट करवानी होती है, कुछ चीज़ें रियलिटी, कुछ जो सपने हैं वो रियलिटी बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते। लेकिन जब घर लेता है तो आप पूरी दिलो जान से चाहते हो कि वो खूबसूरत लगे और वो वैसी पिक्चर जो आपने अपने दिमाग में इमेजिन किया वो घर कुछ उस तरीके का लगे। ये तो मैंने आपको एक रैंडम हाउस का टूर कराया था। हम लोगों का घर भी आई होप बहुत जल्दी फाइनल हो जाए। आप मेरी दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि घर खरीदना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और मैं उस प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ पूरी तरीके से। हम लोग ने बहुत जद्दोजहद करके, बहुत सारी रिसर्च करके उस प्रोसेस से हम लोग गुजरे हैं। तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू कि आप कैसे उस प्रोसेस को आसान कर सकते हैं और कम वक्त में हो जाए, कम माथा पच्ची करनी पड़े। तो आई होप कि मेरे उस एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिल सके। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि कैसे आप जर्मनी में घर खरीद सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं म्यूनिक में रहती हूँ, म्यूनिक में रिलेटिवली जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है जर्मनी के दूसरे शहरों से। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप घर खरीद सकते हो, आप पुराना घर खरीद सकते हो, आप बना बनाया घर खरीद सकते हो, आप खुद का घर खरीद सकते हो। लेकिन हम लोग लैंड खरीद के खुद का घर बनवा रहे हैं। अगर आप उस तरीके से घर खरीदना चाहते हो तो आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्प करे, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हाउस टूर में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा घर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ और जानना चाहते हैं जर्मनी के बारे में तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।